कलवार घाट पर 17 जुलाई को अनिल पिता विक्रम कोरकू के घायल पड़े होने की सूचना पर उसे कन्नौज लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर के लिए रेफर किया गया, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पीएम रिपोर्ट में धारदार हथियार से मौत होना पाया गया। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट तथा मृतक के पिता के बयान पर प्रकरण दर्ज कर खोजबीन शुरू की, जिसमें पता चला कि कलवार घाट में मृतक अनिल की मोटरसाइकिल के पास ही एक बोलेरो जीप देखी गई। वहीं से पुलिस ने अपनी जांच प्रारंभ की। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देशन तथा सूर्यकांत शर्मा एडिशनल एसपी और ज्योति उमट के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शिव मूरत यादव ने अपनी टीम के साथ 48 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मृतक अनिल का आरोपी दीपक की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी उसने परिवार को दी थी। 17 जुलाई को अनिल जब कन्नौज आया तो उसे फोन करके साई मंदिर तिराहे पर बुलाया गया। इन तीनों ने अनिल से पार्टी करने की बात कर बियर की बोतल ली और अपनी बोलेरो कार से कुस्मानिया की ओर गए। शराब पीने के बाद सुखलिया ठिकरिया नगर की ओर जंगल में गए, जहां उन्होंने अनिल से उसकी बहन से बातचीत बंद करने की बात कही तो अनिल ने कहा कि मैं बातचीत बंद नहीं करूंगा। इसी बीच बोलेरो कार में रखे धारदार हथियार से अनिल के पीछे सिर पर वार कर दिया तथा 24,000 रुपए व मोबाइल ले गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर बोलेरो कार तथा हत्या के उपयोग में लाए गए हथियारों को भी बरामद कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। थी कि एक डेड बॉडी यहाँ लाई गई है। जब थाना प्रभारी वहाँ मौके पर पहुंचे अस्पताल में तो उस व्यक्ति की पहचान अनिल कोरकू के रूप में हुई, जो कलवार का रहने वाला था। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी मृत्यु जो थी वो धारदार हथियार से उसके पीछे उसको चोट पहुंचाई गई थी। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों पर हत्या का मुकदमा थाना कन्नौज में दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान हमको सीडीआर के आधार पर और अन्य पूछताछ के आधार पर एक संदेही दीपक मिला, जिसका बोलेरो कलवार के आसपास देखा गया था। दीपक से जब पूछताछ की गई तो वो उसने अपने एक चचेरे भाई सुमेर और एक और चचेरा भाई विशाल के साथ इस घटना को करना कबूल किया है उसने। और इस घटना के पीछे कारण यह है कि दीपक की बहन जो कलवार में रहती थी उससे मृतक के अवैध संबंध की पुष्टि वो करना बताता है और उससे शुद्ध होकर अपने इन दो भाइयों के साथ इस घटना को स्वीकार करना बताया है। उन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे विवेचना जारी है। सर, हथियार वगैरह जब्त होंगे लोगों से? हाँ, घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।